केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी और हेलोजेंस को हमने डिस्कस किया था कि इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पेक्युलर बिहेवियर डिस्कस करेंगे फ्लोरीन का, ठीक है। इससे पहले भी हम हर ग्रुप को देखते आ रहे हैं कि हर ग्रुप का जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई भी एक ग्रुप है जो सबसे ऊपर का आपका एलिमेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बाकियों की निस्बत थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में भी अगर आप बात करो, ये ग्रुप 7A है आपके पास हैलोजेंस का, सबसे ऊपर फ्लोरीन, फिर उससे नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। इस ग्रुप में जो फ्लोरीन है ना, ये बाकी सबके निस्बत इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हैं, सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं हम बाकियों की प्रॉपर्टीज के साथ। फ्लोरीन की जो आपको नजर आ रही है, सबसे पहली जो आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर आप देखो तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम है, ठीक है, सिर्फ 0.71। और ये आर्मस्ट्रॉन्ग्स के अंदर आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग 10^-10 मीटर्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये 0.71 × 10^-10 मीटर्स ये एटॉमिक रेडियस है इसका, ठीक है। आपने हम जो लास्ट टाइम हम लोगों ने रेडियस डिस्कस किया था ना, वो कोवलेंट रेडियस था, और कोवलेंट रेडियस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कोवलेंट रेडियस, वो जो कोवलेंट रेडियस है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अमूमन, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के केस में वो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है कोवलेंट रेडियस भी इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली 0.72 इसका कोवलेंट रेडियस आप कह लो। आयनिक रेडियस हमारे पास 1.33 एंगस्ट्रॉम्स है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये जो आयनिक और कोवलेंट रेडियस है आपके पास बहुत कम है बाकियों की निस्बत, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही आ गई जो आपको डिफरेंट बनाती है फ्लोरीन को बाकी एलिमेंट से, वो इसका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज, या आप कह लो कि वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल। क्योंकि आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आते हो, लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास क्या होता है कि साइज बढ़ता है या कम होता है, साइज डिक्रीजेस, ठीक है। इसी तरीके से जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आपके पास साइज बढ़ता है या कम होता है, साइज इंक्रीज करता है ना एक्स्ट्रा शेल की वजह से, ठीक है। अब होगा ये कि जब देखो ये लेट से पीरियोडिक टेबल है आपके पास, लेफ्ट से राइट पे आपका साइज कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े, छोटे 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 छोटे, और यहाँ पे बहुत ही छोटे, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आपके पास फर्दर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ पे होगा, टॉप राइट पे। और आपको पता है कि टॉप राइट पे आपके पास ग्रुप 7A में फ्लोरीन है, तो बेसिकली ये वजह है। फ्लोरीन का अगर आप साइज का कंपैरिजन करो ना, तो फ्लोरीन से बड़े सिर्फ आपके पास 2-3 ही एटम्स हैं, ठीक है, फ्लोरीन से छोटे आई मीन, ठीक है, जिसके अंदर एक तो आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास हीलियम का थोड़ा सा साइज से छोटा होगा, और थोड़ा सा नियॉन का साइज से छोटा होगा, या ऑलमोस्ट इसके बराबर। बाकी जितने भी हैं वो सब के सब बड़े हैं पूरा पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला तो आपके पास पॉइंट हो गया वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लोरीन कैसे डिफरेंट है। फ्लोरीन जो है ना, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जो कि आपको यहां पर नजर आ रही है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि इतने किलो जाउल्स पर मोल आप दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का रिमूव होगा, ठीक है। यानी फ्लोरीन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये फ्लोरीन प्लस बन जाएगा, तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब चूंकि 1681 तो बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, अब इतनी एनर्जी तो नहीं आप दे सकते, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप इतनी ज्यादा कहां दे सकते हो। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, वो इसकी बाकियों की निस्बत बहुत ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 4, और बाकी सबकी इससे कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, तो ये आपका दूसरा पॉइंट बेसिकली बन गया कि जो आपके पास फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज कंपेयर टू ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। इसके बाद थर्ड आपके पास जो पॉइंट है इसका कि इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे हैं, वो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है, ये डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। ये एक हो सकता है नया पॉइंट हो आपके लिए, डिसोसिएशन एनर्जी। बेसिकली ये जो कंप्लीट टर्म है ना, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
ठीक है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हम इस चीज को कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास HCl एक कंपाउंड है, दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर आप इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी एक मोल के लिए, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आपकी डिसोसिएशन एनर्जी होगी इस बॉन्ड के, ठीक है, HCl के कोवलेंट बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन की लेट से बात करते हो तो क्लोरीन बेसिकली यूं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि इस क्लोरीन एटम को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए. और फ्लोरीन की अगर आप बात करते हो तो एक सिंगल फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है, इसमें आपकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जो है वो कितनी है. अब जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की है ना वो है कितनी है, उसकी वैल्यू है 154.8, ठीक है. और अगर आप कंपेयर करो इसको, ये जो हमारे पास डेटा है यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज हैं, यस एक्स सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी, ये हमारे पास बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज हैं. अब देखो 155 के करीब है हमारे पास फ्लोरीन की, जो कि आपकी बुक में 154.8 है, ठीक है. और अगर आप आगे देखो तो आपके पास बढ़ रही है, क्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है क्लोरीन टू क्लोरीन जो बॉन्ड है वो फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड के निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ये स्ट्रांग है क्लोरीन का जो बॉन्ड है क्लोरीन के साथ. और अगर आप ब्रोमीन को कंपेयर करो तो ब्रोमीन जो बॉन्ड है वो इन दोनों से वीक है, वो इन दोनों से वीक है, सॉरी वो इन दोनों से वीक नहीं है, सॉरी मैं इस वैल्यू को देख रहा था. आपके पास जो ब्रोमीन है वो ये है, आपके पास ब्रोमीन का जो है ये आपका क्लोरीन से वीक है और आपका फ्लोरीन से स्ट्रांग बॉन्ड है, और आयोडीन जो है वो सबसे वीक बॉन्ड है इस ग्रुप के अंदर. अब ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है ये काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है. तो अब होता ये है कि चूंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी होगा, और इस बॉन्ड को चूंकि ब्रेक करना बहुत इजी होता है तो फ्लोरीन जो है ना ये बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव गैस है आपके पास, ठीक है. अगर ये गैस की फॉर्म में हो तब भी, अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड हो तब भी आपके पास बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, बिकॉज ये बॉन्ड फॉरन ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है. अब आप ये सोच रहे होगे कि क्लोरीन, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड हम एक साइड पे इसको रखते हैं और दूसरी साइड पे फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड. अब क्लोरीन की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 243 के करीब है, और फ्लोरीन की जो है ये 155 के करीब है किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है. तो अब होगा ये कि आपका क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना आपके पास क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा निस्बतन आपके फ्लोरीन के. तो फ्लोरीन जब आप किसी एलिमेंट के अंदर डालोगे और साथ में क्लोरीन भी, तो आपका फ्लोरीन फौरन रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, जबकि क्लोरीन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है. ये तो था कि फ्लोरीन का फ्लोरीन के साथ अगर आप बॉन्ड देखो. अब होता यह है कि फ्लोरीन जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है ना, मसलन CF बॉन्ड की हम बात करते हैं, CF बॉन्ड, ठीक है, कार्बन का फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड होता है, कार्बन आपको पता है एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाता है, कार्बन की जितने भी बॉन्ड चेन्स बनती है हमारे पास बॉन्ड्स बनते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो CF का है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है. उसकी वजह बेसिकली क्या है कि आपका जो फ्लोरीन एटम है ना इसका साइज आपके पास बहुत छोटा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ना आपके पास वो बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी ये ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीजें हैं, लैटिस एनर्जी एक तरफ और दूसरी तरफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये दोनों मिलती जुलती हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो आयनिक कंपाउंड्स की होती है, ठीक है, और जिनमें आपकी आयनिक बॉन्डिंग होती है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी मॉलिक्यूल्स की अमूमन होती है, ठीक है. तो जब आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना तो फिर हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, या अगर आपका क्रिस्टल लैटिस वगैरह हो पूरा का पूरा तो हम उसमें लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन जब आपके बॉन्ड्स बने हुए हों मॉलिक्यूल्स के अंदर तो फिर हम उनको बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी लेते हैं, ठीक है. और ये दोनों एक ही चीज बेसिकली हो रही होती है कि बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग इन दोनों में हो रही होती है. तो अब हम डिस्कस करते हैं इसे नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लोरीन कैसे डिफरेंट है बाकी अपने सबके ग्रुप्स के साथ, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ. इस जो फ्लोरीन है ना ये डायरेक्टली
रिएक्शन करता है डायरेक्ट रिएक्शन विद नोबल गैसेस, ठीक है, या इनर्ट गैसेस. इसकी वजह यह है कि चूंकि इसका साइज बहुत कम है, उसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. फॉर एग्जांपल ये क्रिप्टॉन के साथ और जीनॉन के साथ और रेडॉन के साथ फ्लोराइड्स बनाता है, ठीक है, जबकि बाकी कोई भी एलिमेंट पूरे प्रोडक्ट टेबल का नोबल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है. सिर्फ ये फ्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं और कुछ आपके पास हो. सिक्स्थ आपकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट बनाती है फ्लोरीन को, वो आपके पास है वैलेंस शेल वाली प्रॉपर्टी, के जो क्लोरीन का एटम है ये देखने में कैसा होगा, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द आपका फर्स्ट शेल, ठीक है, इस दफा काफी नीट बन गया. और फिर आपके पास सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दो, और सेकेंड में चूंकि इसमें टोटल 9 होते हैं, 4, 5, 6 एंड 1, 7, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन का एटम हो गया. अब फ्लोरीन का जो एटम होता है ना, अब होता ये है कि अगर आप कंपेयर करो फ्लोरीन को लेट से क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ या एस्टेटीन के साथ, नीचे के किसी भी इसके साथ, तो ये जितने भी आपके पास है ना, इन सब में आपके पास डी शेल भी होता है. एटलीस्ट क्लोरीन में भी अगर आप बात करते हो, क्लोरीन के बाद आर्गन, देन क्लोरीन में तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है, आपके पास ब्रोमीन में डी शेल भी आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके पास 3D होता है. फिर आयोडीन में आपके पास 4D भी आ जाता है सब शेल, ठीक है, एस्टेटीन में आपके पास 4FP आ जाता है और 5D भी आ जाता है, क्योंकि इनमें डी और एफ शेल्स भी शामिल होते हैं इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ एस और पी है. तो इन एक्स्ट्रा शेल्स के ऐड होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना बाकियों की, ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल इसमें डी टू डी ट्रांजिशंस आपके पास आने लग जाती हैं, फिर पी टू डी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और आपकी प्रॉपर्टीज काफी डिफरेंट हो जाती हैं. तो अगर आप फ्लोरीन की बात करो ना, तो इसका जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल आप कह लो कि ये लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड टू एन ऑक्टेट, ठीक है, यानी ऑक्टेट के अंदर आपके पास एक एस और एक पी शामिल है, ठीक है, यानी एक 2s और एक 2p अपार्ट फ्रॉम 1s. इसके अंदर बेसिकली ये एक ऑक्टेट है और वैलेंस शेल सिर्फ इसी तक लिमिटेड है, ठीक है. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई मुख्तलिफ फ्लोरीन की, जो इसको बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बनाती हैं अपने ग्रुप के अंदर. अब हम देख लेते हैं कि जो आपके बॉन्ड एनर्जीज, जो हम लोग ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, बॉन्ड एनर्जीज आपकी कैसे वेरी करती हैं, ठीक है, ये है आपके पास बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज. अब देखो आपकी जो मीथेन होता है ना CH4, अगर उसमें आप फ्लोरीन डाल दो थोड़ी सी, तो आपके पास ये बॉन्ड बनता है CH3F, ठीक है, और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, यूं प्रोड्यूस होता है. तो ये जो CH3F बॉन्ड बनता है ना, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो आप देखो कि 452 किलो जाउल्स पर मोल है, ठीक है, ये प्लस माइनस 13 ये आपके पास एरर का फैक्टर है इसके अंदर. और इसी तरह आप आयोडीन की अगर बात करो तो उसकी 235.6 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो लास्ट में आपसे डिस्कस करने लगा था फिर वो बीच में रह गया था कि उस मैंने आपको फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ड्रॉ कर दिया था. फ्लोरीन को अगर आप आयोडीन के साथ कंपेयर करो, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 155 के करीब और आयोडीन की है 151 के करीब. अब चूंकि इसमें इतना खास फर्क नहीं है तो इनकी रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए ना, शुड बी सेम रिएक्टिव, ठीक है, यानी अगर आप फ्लोरीन का रिएक्शन कराओ किसी चीज के साथ या आप क्लोरीन का कराओ, आयोडीन का सॉरी, तो रिएक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. फ्लोरीन जो है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, हालांकि आयोडीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो फ्लोरीन से भी कम है, ठीक है. अब जो आपकी रिएक्टिविटी होती है ना, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आपकी जो रिएक्टिविटी होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जो हमारी रिएक्टिविटी होती है ना, वो ना सिर्फ आपकी इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही होती है, वो इस चीज पे भी डिपेंड कर रही होती है कि जब वो नया बॉन्ड बनेगा, जब देखो नया बॉन्ड बन रहा है ना, यहां से तो पहले FF टूटेगा बॉन्ड, ठीक है, फिर जब नया बॉन्ड बनेगा इसके साथ तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो भी तो डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर ही होगी ना. तो अब जब CH3F बॉन्ड की अगर आप डिसोसिएशन एनर्जी देखो,
तो वो जो आपके पास है वो 452 है, जबकि CH3I बॉन्ड की जो है वो 235 है। इसका मतलब है अगर यही वाला रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करते तो वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता, जबकि फ्लोरीन के साथ वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसी तरह अगर आप फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड देखो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आयोडीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक है। इसी तरह फ्लोरीन का कार्बन क्लोरीन के साथ काफी स्ट्रांग है और आयोडीन का वीक है। आयोडीन का फ्लोरीन के साथ काफी स्ट्रांग है, आयोडीन टू आयोडीन जो बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली वीक है। ठीक है, तो इसकी वजह बेसिकली फ्लोरीन की हाई चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से उसके रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे हेलाइड्स होते हैं ना, हेलाइड्स किन्हें कहते हैं? हेलोजेंस के कंपाउंड्स को, हेलोजेंस के जो कंपाउंड्स होते हैं। और चैप्टर वन के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी हेलाइड्स के बारे में, कि वो ये थी कि हेलाइड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके पास आयनिक और दूसरे होते हैं आपके पास कोवेलेंट। ठीक है, और फिर कोवेलेंट के अंदर भी फर्दर आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट यूनिट हेलाइड्स, और दूसरे होते हैं आपके पास होते हैं पॉलीमेरिक। ठीक है, तो अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और आपको उस वक्त भी मैंने बताया था कि जो आपका पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड का हिस्सा है ना, ये आपके चूंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम होती हैं, तो ये आपके पास जो फ्लोरीन या हेलाइड्स के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ये आपका जो लेफ्ट साइड का जितना भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे आपके आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। फिर आपके जो मिडल के कुछ एलिमेंट्स है ना, दरमियान का कुछ हिस्सा है, वो आपके पास पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाते हैं, और सबसे राइट साइड वाले जो आपके पास हैं वो आपके पास डिस्क्रीट यूनिट हेलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। अगर आप देखो सोडियम जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से एक एलिमेंट है। अब सोडियम का जो आपका फ्लोराइड बनता है ना, वो बहुत आयनिक है, ये आयनिक बॉन्ड है, देखो ये आयनिक क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये बड़े बॉन्ड्स बड़े एटम्स आपके फ्लोरीन के हैं और ये छोटे वाले आपके सोडियम के हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास पॉलीमेरिक है, बिस्मूथ आपका ऑलमोस्ट मिडल में है कहीं पे। ठीक है, बिस्मूथ एंटीमनी ये आपके ग्रुप 5 के एमाइगेस्ट आते हैं। तो ये आप देखो कि ये जो हैं ये सारे के सारे ग्रुप 4 है आई गेस। अच्छा, तो ये जो है ये आपके पास पॉलीमेरिक हेलाइड्स बना रहे हैं, पॉलीमेरिक फ्लोराइड है ये। पॉलीमेरिक वो होते हैं जिसमें आपके पास जो ये होता है ना फ्लोरीन एटम, ये दो फर्दर जो मेटल एटम्स है उनके दरमियान बॉन्ड बॉन्ड होता है। मतलब यहाँ पे भी एक बिस्मूथ है और यहाँ पे भी एक बिस्मूथ है और दरमियान में आपके पास एक फ्लोरीन का एटम है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम पॉलीमेरिक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो दरमियान वाले का पॉलीमेरिक हो गया, और अगर आप राइट साइड से फॉर एग्जाम्पल रीनियम आप उठाओ तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आपके पास डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, सिंपल, सेपरेट। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्क्रीट यूनिट आपके पास हेलाइड बनना है। ठीक है, सो ये आपके पास हो गए मुख्तलिफ हेलाइड्स की टाइप्स। अब हम एक फाइनल चीज डिस्कस कर लेते हैं, आयनिक हेलाइड्स को फर्दर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो आपके आयनिक हेलाइड्स होते हैं ना, इनमें जो आपकी मसलन आयनिक हेलाइड्स किस तरह के होंगे, सोडियम फ्लोराइड हो गया, इसके अलावा सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। लेट्स से मैं सिर्फ सोडियम के कंपाउंड्स की बात करता हूँ। अब ये जो सोडियम फ्लोराइड है ना, ये आपका इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसकी भी वजह यही है कि आपके हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में, लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा कि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो आपकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ये लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, और इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ये आपकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है आपकी जो लैटिस एनर्जी होती है। ठीक है, और साथ में आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो होते हैं ना फ्लोराइड का सोडियम के साथ एट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और आपकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आप जितनी मर्जी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाए, यानी जितनी मर्जी हीट इवॉल्व हो जाए विद हाइड्रेशन, वो इतनी नहीं होगी कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगी तो फिर ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल भी नहीं होगा। तो आपके जो फ्लोराइड्स है ना, फ्लोराइड्स ये अमूमन आपके इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, और उसके रीजन इनकी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, सबसे लास्ट में अब हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और अभी हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके पास जो फ्लोरीन है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली ये अमूमन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ये फ्लोराइड वगैरह बनाता है। ठीक
ठीक है। और अब आप ये सोच रहे होगे कि इसके अलावा कोई कर भी तो नहीं सकता। नहीं, ये कर सकता है। अगर तो इसमें आपके पास डी शेल होता या आपके पास एफ शेल होता ना, तो फिर ये एक से ज्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, लेकिन ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसकी भी रीजन आपके पास, वो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इसका जो वैलेंस शेल है वो एक ऑक्टेट तक महदूद है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके पास एस और पी शेल्स होते हैं, ठीक है। अगर डी वगैरह होते हैं तो फिर आपके पास वेरिएबल वैलेंसीज भी आने लग जाती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर फ्लोरीन। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग हेलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिस्कस करेंगे, जो आपके हेलोजेंस के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो बढ़ता है, कम होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इस सारे एलिमेंट्स जो हैं हेलोजेंस, इसमें वो कैसे वेरी करता है।